जिस बात का डर था वही हुआ, चचा भटक गए और चचा का कॉल भी नहीं लग रहा है, फोन भी नहीं लग रहा है। हम रास्ता भटक गए, चचा पता नहीं कहाँ गए और मुझे गूगल ने धोखा दे दिया। ये जहाँ लेके आया यहाँ पे रास्ता ही नहीं है एंड वी आर फार फार अवे फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इस वाले इंस्पेक्शन बंगलों में हम रुके हुए थे। वेलकम बैक टू राइड बीएचपी। राइड बीएचपी पे आपका खैर मकदम है। आज है डे टू और हम निकल पा रहे हैं पार्लेखमुंडी इंस्पेक्शन बंगलों से टूवर्ड्स अवर सेकेंड डेस्टिनेशन विच इज़ देसिया सोशल रिजॉर्ट नियर डुडुमा वाटरफॉल। आफ्टर दिस नॉट सो ओके स्टे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि जहां हम जा रहे हैं आने वाले दो रिजॉर्ट्स बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं क्या हैं हम आपको दिखाएंगे, स्टे ट्यून्ड। और 6 घंटे का राइड है, अभी बज रहे हैं 6:30। थोड़ा सा लेट हो गया मुझे निकलने में, नमाज़ पढ़ के निकलना था। कोई बात नहीं, दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करना चाहिए और आगे का जर्नी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। Stay tuned for some awesome, breathtaking landscape views. Ciao. बहुत अच्छा लग रहा है। I mean, अभी ठंड इतनी भी ज़्यादा पड़ी नहीं है और गर्मी भी नहीं लग रही है। It's a very balanced temperature. और सुबह 6:30 का वक्त एक अलग ही freshness देता है। और भी 5-5.5 किलोमीटर है तो हम यहाँ रुके हैं छोटा सा चाय ब्रेक के लिए। तो बेसिकली अभी हम आंध्रा बॉर्डर और उड़ीसा बॉर्डर के बीच में जगलिंग कर रहे हैं, कभी आंध्रा के अंदर घुस रहे हैं कभी उड़ीसा के अंदर घुस रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। और आगे भी आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट रूरल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस जा रही है। तो दिस इज़ हाउ इट विल गो फॉर अ फ्यू किलोमीटर्स, फिर शायद हम प्रॉपर हाईवे पे आएंगे। ब्यूटिफुल सनराइज, माउंटेन, रिवर और क्या चाहिए। इतना खूबसूरत लग रहा है। क्या सीनिक ब्यूटी है। आई थिंक यही है क्या अरकू वैली, नॉट श्योर। टायरिंग स्ट्रेच था ये, लगभग अराउंड 7-8 किलोमीटर का स्ट्रेच, बहुत ही ज्यादा टायरिंग था। मतलब प्लेन पक्का रोड नहीं थे, ऑफ रोड करना पड़ेगा, वाट लग गई पिछवाड़े की, थोड़ा सा ब्रेक लेके नारियल पानी के कपड़े पेट करते थे और फिर और 4 घंटे का राइड है। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। I'm just loving it। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, ये पहाड़, ये रास्ते, ये फिजा, जैसे लग रहा है कि आप को इन्हीं चीज़ों की कमी होती है
रोजमर्रा की जिंदगी में, और अगर ये मिल जाए तो आपको लगेगा कि आप फिर से अलाइव हो गए हैं। दिस इज सो नेचुरल एंड सो पीसफुल, दिस इज ट्रू हैप्पीनेस। वो कहता है ना कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, सही कहते हैं, लेकिन एक बात और भी सही है, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस बट मनी कैन बाय यू अ बाइक एंड बाइक कैन गिव यू हैप्पीनेस, राइट? दैट्स राइट। कितना खूबसूरत लग रहा है ये नजारा, तो देखिए एक बार, इट इज लाइक अनपैरेलल्ड एक्सपीरियंस। अब हम अपने दूसरी मंजिल के करीब होते जा रहे हैं, फाइनली अपने सेकंड मंजिल पे हम पहुंच चुके हैं। दिस इज देसिया सोशल रिजॉर्ट। सात घंटे का राइड। ओह थैंक यू। यहाँ पे आप बैठ के बॉनफायर कर सकते हैं, एंड दिस इज द एंट्रेंस टू दिस कॉटेज। वाओ, और ये पूरा फर्श और ये दीवारें मिट्टी से बनाई गई हैं, मतलब मिट्टी के लेयर इस पे हाथों से लगाया गया है। पूरी तरह से ट्राइबल लाइफ को यहाँ पे एक थोड़ा सा बेहतर और रिफाइंड वे में दिखाया गया है। यू कैन वॉक ऑन दिस फ्लोर्स बेयरफुट। और जस्ट बिकॉज ये मिट्टी से बनाई गई हैं, मिट्टी के लेयर्स कवर किए गए हैं, ये इतना ठंडा है, आई थिंक गर्मी में भी यहाँ पे काफी ठंड होगी। ओह वाओ, लुक एट दिस स्टेयरकेस, प्योर ट्राइबल वर्क। ये चटाई है, इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। बेसिकली आपको देसिया डुडुमा ये जो इको स्टे है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो एक वेंचर है, दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग टू लर्न अबाउट द ट्राइबल कल्चर, द ट्राइबल लाइफस्टाइल जो यहाँ के लोकल लोग रहते आ रहे हैं, तो उसको यहाँ पे वो एनहेंस करके दिखाना चाहते हैं। और इनफैक्ट आप जो मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, वो जो कॉटेज है, वहाँ पे दो फॉरेन टूरिस्ट भी हैं जो फ्रांस से आए हैं, पेरिस से टू बी एग्जैक्ट। और सोचिए, लोग फ्रांस और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे कोरापुट में, और हम में से मैक्सिमम लोग यहाँ आने से कतराते हैं या डरते हैं या वॉट एवर मे बी द रीज़न, बट दिस इज़ अ वर्दी एक्सपीरियंस। यू शुड कम हियर एंड स्टे हियर टू गेट दैट फील एंड एक्सपीरियंस एंड टेक सम गुड मेमोरीज विथ यू। आते हैं, हमें एक्चुअली ये कॉटेज मिला है रहने के लिए। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह कॉटेज, मुझे लगा शायद कुछ म्यूज़ियम या कुछ तो एक पुराना आर्ट फॉर्म होगा, बट यहाँ पे दो रूम्स हैं और यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कॉटेजेस मिलेंगे। इसके अंदर कैसा है, क्या है, देखते हैं। नाइस, ओह वाह, लुक एट दिस। ये शायद बोंडा ट्राइब्स हैं, राइट? ओरिजिनल बोंडा ट्राइब्स के फोटो। थोड़ा सा ये रिफाइंड है, आई मीन एग्जैक्ट आपको ट्राइबल या रूरल वाला फीलिंग नहीं मिलेगा, थोड़ा सा रिफाइंड है। दिस इज द बाथरूम,
This is one room and this is the other room. मिट्टी से हाथों से इनफैक्ट से लेपा गया है दीवार पे. दिस इज काइंड ऑफ अ प्रमोशन ऑफ ट्राइबल एंड रूरल लाइफ. आपको यहाँ पे ट्राइबल आर्ट्स भी दिखने को मिलेंगे. और ये ऐसा, आपको अगर आपने कभी पुराने घर देखा है तो आपको याद होगा कि आपके दादा दादी या नाना नानी अगर वो कभी ऐसे पुराने घरों में रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे हम एक मशाल जलाते थे, छोटा सा दिया. और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे आपको ये लूज ग्रेवल्स मिलेंगे टू गिव यू दैट लुक एंड फील ऑफ बीइंग इन नेचर इवन व्हाइल यू आर पूपिंग और बेडिंग. This is the Desia style restaurant. हमें इतनी जोरों की भूख लगी थी और उम्मीद भी था कि जो हमें यहाँ मिलेगा वो लाजवाब होगा, और बेशक वो लाजवाब ही था. ऑर्गेनिक फूड विथ देसी स्टाइल ऑफ कुकिंग. दीज आर सम ऑफ द ट्राइबल ऑर्नामेंट्स. आफ्टर हैविंग अ सम्शुअस लंच हम निकल पड़े हमारे मेन अट्रैक्शन की ओर, डुडुमा वाटरफॉल्स. लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि तुम इतना ट्रैवल क्यों करते हो, इतने शहरें क्यों बदलते हो. वेल, नज़रिया बदलने का सबसे अच्छा तरीका है शहर बदलना. अक्सर लोग आपसे पूछते हैं कितना कमाते हो, कोई आपसे ये नहीं पूछता कितना मेहनत से कमाते हो. तुम यार कितने भी पैसे कमा लो लेकिन घूमने की ये उम्र कभी वापस नहीं आएगी. अब इतनी मेहनत और मुशक्कत करने के बाद फाइनली हमें जो ये मंजर देखने को मिला, हमारी आंखें दंग रह गईं, दिल जैसे थम सा गया और आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत वाटरफॉल एग्जिस्ट करता है उड़ीसा के अंदर. और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये एक अद्भुत जगह है जहाँ पे एक ही जगह पे आपको चार चार वाटरफॉल्स के स्रोत देखने को मिलता है. दिखाता हूँ मैं आपको आगे. जब मैं इन वादियों के आगोश में खोया हुआ था, चचा की तेज़ और पैनी नज़रें पड़ी नीचे जहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ हलचल हो रही थी. तो जब हमने अपने कैमरा के बटन को जूम करके देखा तो हमें भी पता चला कि नीचे भी हम पहुँच सकते हैं. तो मन में मची चुल और हम निकल पड़े नीचे. एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर आप डुडुमा वाटरफॉल आए हैं तो आपको व्यू पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप फॉल जहाँ पे होता है, वाटरफॉल जहाँ होता है नीचे, वहाँ जाना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इसके बगल में ये रास्ता आता है. यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं और ये लगभग 800 स्टेप्स हैं. यस, 800 स्टेप्स. याद रखिए, जाना आसान हो सकता है, आते वक्त वाट लगने वाली, बट यस, हमें चुल मची है, हम जा रहे हैं नीचे. कम विद अस. भाई ये क्या, सीढ़ी के ऊपर इतना बड़ा चट्टान, मतलब ऊपर से गिरा है. भाई साहब डिटूर लेके आओ, ये कभी ना खत्म होने वाली सीढ़ियां हैं. लुक एट दिस जंगल. भाई हमने सही डिसीजन लिया तो आके
वो नीचे जाने के बाद पता चलेगा इफ इट वॉज वर्थ इट। हालत टाइट हो गया। 800 स्टेप्स अभी हम तो सिर्फ नीचे उतर रहे हैं, ऊपर चढ़ना कैसा है पता नहीं। शाम के 4:15 हो रहे हैं और अभी विंटर सीजन है, 5 तक तो ऐसे ही बाहर अंधेरा हो जाता है। ये तो फिर भी जंगल है, घना जंगल। ये अल्लाह मदद फरमाइए। ओ ये क्या, रास्ता बंद? नहीं, ये डिटूर है, हम आधे से ज़्यादा आ चुके हैं, अब वापस जाना बेवकूफ़ी होगा। इतना मेहनत किया है, थोड़ा तो रिस्क उठा सकते हैं। सच बोलूं तो डर लग रही है, फट रही है डर के मारे। बट जैसे जैसे हम करीब जाते जा रहे हैं, वाटरफॉल की आवाज़ तेज़ होते जा रही है, दैट मीन्स वी आर वेरी नियर। और भी कुछ लोग हैं वहाँ पे नीचे, तो हम उनके साथ आ जाएंगे। लुक एट दिस, यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार वाटरफॉल है। वो जो आप पीछे देख रहे हैं दैट इज द मेजर डुडुमा फॉल, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फिर आप मेरे पीछे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और एक उधर भी है, एक दो तीन चार। कई दिनों बाद आज ये मेरा दिल यही सोच कर रो दिया कि आखिर ऐसा क्या पाना था मुझे कि मैंने खुद को ही खो दिया। इतनी मेहनत और मुशक्कत की यहाँ पे आने के लिए, अभी तो आधा मेहनत और भी बाकी है, ऊपर जाना है, चढ़ना है, लेकिन दिस इज ट्रूली अ ब्लिस, दिस इज वर्थ इट, ट्रस्ट मी। हम वहाँ पे थे ऊपर, आप देख पा रहे होंगे, वहाँ ऊपर थे हम, पेड़ के पास वहाँ थे, और वहाँ से हम यहाँ आए हैं। तो दिस हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड वी विल इंश्योर दैट वी रिटर्न बैक सेफ, बट दिस साइट इज ट्रूली मैजिक। फाइनली हमने डिसाइड किया कि टाइम हो चला है, सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है, अब हमें 800 स्टेप्स की चढ़ाई करनी है, 800 स्टेप्स, बट दिस वॉज वर्थ इट, एवरी आउंस ऑफ अवर एफर्ट एंड अ स्वेट हैज पेड ऑफ। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू राइड बीएचपी डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन फॉर दिस डुडुमा वाटरफॉल। सी यू एट द टॉप। हालत खराब हो गई है दोस्तों, जाते वक्त 15 लगा था, आते वक्त लगभग एक घंटे के करीब लगा। 800 स्टेप्स हमने 80 ब्रेक लेके पहुँचे हैं। डू कैरी वाटर बॉटल्स विथ यू अगर आप नीचे जा रहे हैं तो, टेक इट एज अ फ्रेंडली एडवाइस। सी यू। सूरज ढल जाने के बाद द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज इंडल्ज इन सम लोकल कन्वर्सेशंस अलोंगसाइड द बॉनफायर। तो ये है बेसिकली डायरेक्शन फॉर द फेमस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। और चाचा हमारे कहाँ कहाँ घूमे हैं बताइए। बार्सिलोना, सिडनी, काठमांडू, केप टाउन, पेरिस, और आज हो गया डुडुमा, कल हो जाएगा देवमाली। बस तो ये हमारे चचा उर्फ सोमिया, जिनके साथ बहुत सालों से इरादा था कि ट्रैवल करेंगे और आज मौका मिला है फाइनली। तो वी आर हैविंग अ बॉल ऑफ अ टाइम एंजॉइंग दिस ट्रिप। होप यू ऑल्सो लाइक द वीडियो। और हर दिन की तरह इस दिन का भी शुक्रिया अदा करते हुए अपने परवरदिगार की तरफ हम इस दिन को अलविदा कहते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले दिन की खूबसूरत शुरुआत में। गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 3 और हम रुके हुए हैं डुडुमा इको स्टे रिजॉर्ट एट डुडुमा नियर माछकुंड। इफ योर मॉर्निंग्स आर लाइक दिस, जिंदगी में और क्या चाहिए।
सुबह के लगभग 6:15 हो रहे हैं और अभी मुझे जस्ट पता चला यहाँ के जो लोकल गाइड हैं आदिवासी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस में ही एक छोटी सी नदी बह रही है जो कि बहुत खूबसूरत है, और ऐसा कुछ पता चल जाए तो अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या है देखना है। तो मैं निकल पड़ा हूँ अपने होटल से, थोड़ा सा शायद 100 meters वॉक करना पड़ेगा टू सी दैट ब्यूटिफुल रनिंग स्ट्रीम, बट मेरे सामने का नज़ारा देखिए, दिस इज ब्यूटिफुल। वो जो आदमी जा रहे हैं ही इज ऑल्सो अ गाइड ओवर हियर, जो भी फॉरेन नेशनल यहाँ पे आते हैं ही कैन स्पीक अप टू 2 to 3 फॉरेन लैंग्वेजेस, एंड हाथ में लोटा है अगर आप देख सकते हैं, लोटा लेके जा रहे हैं हल्का होने के लिए। वो नदी आवाज आ रही होगी आपको भी, कि तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है, कि एक दिन वो भी आएगा कि वक्त कहेगा चल अब तेरी बारी है। तो ये था दोस्तों part 2 ऑफ द 3-part series, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट we are going to witness the highest peak of Odisha, Deomali Hills. Ensure to subscribe to the channel so that you will know it when I post the next video. Stay tuned. Till then, take care. Bye.